दोस्तों, आज हम आपके सामने एक एसिड बैटरी का रिसर्च लेके आए हैं, जो मैं इसको 5 दिन से कर रहा था। और कैसे लिथियम बैटरी को एसिड बैटरी फेल कर सकता है, इसका आज हम आपको एक प्रमाण भी बताएंगे और एक ट्रिक भी बताएंगे जो काफ़ी लोग जानते हैं, करते चले आ रहे हैं। और मैं 5 दिन में क्या रिसर्च किया जो लिथियम बैटरी का ये बाप निकल सकता है, कैसे, चलिए बताते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मित्रों, यहाँ पे मेरे पास ये 8 बैटरी है, इस लाइन में आपको 8 बैटरी दिख रहा होगा, और मैंने चार चार बैटरी को पैरल कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, मैंने इसको पैरल किया, 5 दिन से मैं इसको पैरल करके टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसका रिसर्च देख रहा हूँ। मित्रों, अगर आपके पास 48 वोल्ट का सिस्टम है, 4 बैटरी वाला सिस्टम अगर आपके पास है, आप 4 बैटरी उसमें और सेम टाइमिंग का, सेम एम्पियर, सेम कंपनी का ला के उसको पैरल कर दो, यकीन मानो आप हैवी से हैवी लोड चलाओ, अगर आपका लॉस किया ना तो मुझसे बताना। पता है क्यों? 8 बैटरी का कोस्ट अगर आप मार्केट में जाओगे पता करने के लिए, लेने के लिए, तो एक बैटरी अगर आप 150 एम्पियर का लेते हैं, तो 150 एम्पियर की बैटरी 12,500 से 12,000 रुपये का आपको पड़ेगा। अगर वहीं पे आप 180 एम्पियर, 200 एम्पियर लेते हैं, तो 15,000 के अंदर में आपका आएगा। मतलब कि आपका 1,10,000, 1 लाख के लमसम आपको 8 बैटरी पड़ जाएगा। और वहीं पे अगर आप 100 एम्पियर का लिथियम बैटरी 48 वोल्ट लेने जाएंगे, तो आपको मार्केट में पड़ेगा 1 लाख के लमसम, उसके ऊपर पड़ेगा। वैसे लोग पुरानी बैटरी रिसेल करके 70-80 में देने की बात करते हैं, बट रियल लाइफ की बात करूं तो 1 लाख के ऊपर ही आपका जाएगा। अब मित्रों, पैरल करने के बेनिफिट क्या हुए, मेरा जो 5 दिन का रिसर्च था वो कैसे सफल रहा, पैरल कर दिया। पैरल करने से जब मित्रों 4 बैटरी पे 2.5 किलोवाट, 3 किलोवाट का लोड पड़ता था, तो इसका जो आउटपुट था वो ड्रॉप होता था, समझे ना, इसका जो वोल्ट था मित्रों वो तुरंत ही ड्रॉप कर जाता था। अब जब पैरल किया तो मतलब कि इसको बैलेंस मिल गया, इसको बैलेंस मिल गया, सपोर्ट मिल गया। और मित्रों, यकीन नहीं मानोगे, 4 से 5 किलोवाट का लोड डाल के देखो, ड्रॉप ना के बराबर, बहुत कम ड्रॉप करेगा, और एक अच्छा बैकअप मेरे को दिखा। तो मैंने सोचा वीडियो बना के आप लोग को बताऊं क्या रिसर्च रहा, क्या बैकअप रहा, थोड़ा हम आपको बताते हैं। पैरल करने से मित्रों हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल अभी गाड़ी में एक तरफ 2 टायर लगे हैं और दोनों बैलेंस लेके चल रहे हैं, अभी एक टायर पे लोड डाल दो फट जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, उसकी एक वैल्यू कम हो जाएगी। वहीं पे अगर आप डबल टायर कर दो तो दोनों पे बराबर लोड रहेगा। वैसे बैटरी का सिस्टम है, 4 बैटरी पे लोड डालोगे तो एसिड बैटरी ड्रॉप करेगा, 8 कर दिया उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई। अब मित्रों, लिथियम बैटरी से सस्ता कैसे पड़ गया, लिथियम बैटरी मार्केट में जाओगे 1 लाख के ऊपर पड़ेगा, और ये बैटरी 1,10,000, 1 लाख के लमसम आपको 8 बैटरी मिल जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये 4 साल चला, 4 साल में अगर आप कबाड़ में बेचने गए, अगर मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम अगर एक बैटरी अगर आपका 5,000 रुपये का बिकता है, 110 रुपये, 15 रुपये किलो बैटरी बिकता है, आप पता कर लो कहीं भी, अगर उसको तो आपका एक बैटरी, चलो 5 बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, मैं 4 ही पकड़ के चलता हूँ, अगर तो मैं एक बैटरी का अगर मैं 4 ही पकड़ के चलता हूँ, 4,000, तो आप जोड़ो सो 32 से 35 हज़ार रुपया हमको ए बैटरी दे के जा रही है खराब होने पे। और मित्रों, लिथियम क्या दे के जाएगा, कुछ भी नहीं। तो मित्रों, मैंने एक मिनिमम इसकी कबाड़ वैल्यू बताया, वैसे तो मैक्सिमम 5.5 से 6 हज़ार रुपया एक बैटरी का वैल्यू तो होगा ही होगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में बैटरी का कॉस्ट बढ़ जाता है। अब मित्रों, अगर अधिक से अधिक 8 बैटरी का अगर आपको 40 से 45 मिलता है और कबाड़ बेचने में, तो भी बहुत फायदा है। तो मित्रों, जो लोग बोलते हैं ना इसको चार्ज करने में ज़्यादा टाइमिंग लगता है, मित्रों मैं आपको बता दूं, इसको चार्ज कौन बिजली से करेगा, सोलर की एनर्जी फ्री है, सोलर से चार्ज करो ना, क्या दिक्कत है, सोलर पे 25 साल की कंपनी वारंटी गारंटी देती है, कौन जल्दी खराब होने वाला है, बिजली से कौन चार्ज करने जा रहा है। तो मित्रों, जो बोलते हैं इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा है, तेजाब डालो, पानी डालो, एक अफवाह है, झूठी बातें हैं। पता है क्यों? आप अगर बैटरी ला दिए तो गर्मी के टाइमिंग में थोड़े से इसके वाटर ज़्यादा उड़ते हैं, ज़्यादा गर्म होके खौलते जब हैं,
और मित्रों ठंडी के मौसम में दिक्कत नहीं होता है, तो आप इसको आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत में होने वाला नहीं है। और जो तेजाब की बातें हैं, जो एसिड की बातें हैं और डिस्ट्रीब्यूटर की बातें हैं, तो आप जो है आराम से इसको एक बोतल लाएंगे, थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, आपका चलेगा। एक बोतल आपको मार्केट में 35-40 रुपये पड़ेगा। वैसे चाहेंगे तो आप जो है बरसात का पानी जो है प्लास्टिक के बाल्टी में इकट्ठा करके उसको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं, क्योंकि उसमें ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए, आयरन से टच नहीं होना चाहिए। और एसी का भी पानी आप निकाल के डाल सकते हैं। मित्रों एक प्रकार से बेनिफिट जो मेरे को नज़र में आया वो एसी बैटरी में आया और लिथियम बैटरी में जो है नज़र नहीं आया, क्योंकि लिथियम बैटरी में काफ़ी ज़्यादा खर्चा है। तो इसीलिए आप लोग जो है एसी बैटरी को अगर लेते हैं तो सेम टाइम का आप जो है लेना, सेम समय का लेना, और वो जो है आपका मतलब कि आगे पीछे करना हो, सेम एम्पियर हो। अगर आपका पुराना नया होगा तो पैरेलल मत करना, इससे आपका लॉस जाएगा। तो इसकी ये पूरी डिटेल्स जो मैंने आपको शेयर किया, तो आप बताना क्या आपको ये ट्रिक कैसा लगा, आप मेरे अकाउंट में ज़रूर शेयर कर देना।